नमस्ते जी, कैसे हो सब आप? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ, राजपूत जॉन से। ये आप देख रहे हो 3 BHK विला, 68 बन रहे हैं, टू गेटेड सोसाइटी है ये। मैं आपको रेडी टू मूव वाले भी दिखाऊंगा, ये भी रेडी टू मूव में। इसकी 2 महीने में पोजेशन है विलास की, पर इस पर एक बार मैं स्टार्टिंग में आपको कंस्ट्रक्शन दिखा दूंगा, वो भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। कोई भी आप विला परचेज़ करते हो इंडिपेंडेंट हाउस, तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि उसका स्ट्रक्चर, क्लिथ बीम, डोर बीम, DPC लेवल, कॉलम वर्क कैसा बना हुआ है, सिस्टम क्या है इसका, मैं एक बार बताता हूँ। आपने ये वीडियो के लास्ट तक जाना है, मेरी तरफ से गुड विशेज, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। पर एक बार हमारे पास चक्कर लगाना, आपको फ्रंट एलिवेशन, विला का कंस्ट्रक्शन और सारी चीज़ें मैं विज़िट कराऊँगा। इसको बोलते हैं जी डोर बीम, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये 24x36 का विला है 100 गज में, और जितने भी विंडो चुगाठे हैं, दरवाजे हैं, सबके ऊपर डोर बीम डला हुआ है। ड्राइंग रूम का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जाके ख़त्म है उधर। तो जो कॉलम है ये आप देख रहे होंगे, 1, 2, 3 कॉलम इधर है, सॉरी एक आगे है, 3, और एक कॉलम यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 कॉलम इधर दिए हुए, टोटल 8 कॉलम दिए हुए हैं। जितनी विंडो चुगाठे हैं सब पे डोर बीम है। और जो ग्राउंड लेवल अभी मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि हमारे सारे विला 68 के 68 विला, जिसमें से 34 विला रेडी टू मूव में है, और 34 विला दूसरे भी रेडी टू मूव में, इनकी 2 महीने में पोजेशन है, जिनमें 27 के करीब फैमिलीज रहने लगी हैं। और मैं दिखा नहीं सकता आपको DPC लेवल और ग्राउंड लेवल पे, जो भी हमारी जितनी वॉल्स हैं ना, इनके नीचे हमने सारा डोर बीम डाला हुआ है, सॉरी प्लिथ बीम डाला हुआ है, डोर बीम ये डाले हुए हैं जो मैंने दिखाया अभी। ये हमारी ब्रिक्स पड़ी हैं जो एक नंबर है सारी। ये हमारे विला सारे रेडी टू मूव में है। ये गेट नंबर 2 है बेसिकली अपना, गेट नंबर 1 पे मैं आपको सारे विलाज दिखाऊंगा जो रेडी टू मूव में। ये भी रेडी टू मूव में, इनकी 2 महीने में पोजेशन रहेगी। ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में अवेलेबिलिटी है। सबसे पहले मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई है, वीडियो के लास्ट तक नहीं जाया जाता कस्टमर से। अभी मैं आपको जो रेडी टू मूव हमारा गेट नंबर 1 है, ये 2 गेटेड सोसाइटी है 2.5 एकड़ में, लास्ट में पार्क रहेगा, एक पार्क आगे, दोनों विजिट कराऊँगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे हमारे विलास बन रहे हैं। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में सरिया यूज़ हो रहा है कॉलमों में, हमारे 12 mm का सरिया, 6 लेंथ है, 8 के रिंग है, और जितने भी डोर बीम है उनमें हमारा सरिया 16 mm की, 6 लेंथ है, 8 के रिंग है जी। ये हमारा सोसाइटी का गेट नंबर 2 था, जिसमें मैं आगे आपको कंस्ट्रक्शन दिखा रहा था। रेडी टू मूव में है सारा, वेस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग में थोड़े से 4-5 विला है जिनमें कॉलम वर्क वगैरह दिखाया था, उनमें भी लेंटर वगैरह, अभी फ्रंट एलिवेशन का प्लस्तर, बाकी ये टाइल वगैरह लग रही है सारी। ये हमारा कॉमन पार्क है, जैसे उधर रैंप बना हुआ है रेडी टू मूव वाला, वैसा ही रैंप इधर है, अभी पत्थर लगेगा इस पर। अगर आपको कॉर्नर विला चाहिए तो मिल जाएंगे, 10% PLC चार्जेस मिलेगा इस पर। वेस्ट फेसिंग कॉर्नर अवेलेबिलिटी है, ईस्ट फेसिंग वाला हमने सैंपल बनाया हुआ है। ये हमारी सोसाइटी का पार्क है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, खुला डुला पार्क है पूरा है। ये देखो ये रेडी टू मूव में है जी, यहाँ पे जम्मू, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली इन्वेस्टमेंट की हुई है लोगों ने, रह भी रहे हैं। अगर आप ऊपर वाले रेंट की बात करें तो यहाँ पे 12-12.5 हज़ार रुपये फर्स्ट फ्लोर का रेंट है, और ग्राउंड फ्लोर का 19-19.5 हज़ार रुपये है। एक रो में 17 विलाज रहेंगे, ये गेट नंबर 1 है, 2 मैंने दिखाया आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह उधर। सबसे पहले मैं इसकी ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने काफ़ी डाली हुई है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क सारी चीज़ें बढ़िया है, इसीलिए इसकी बार बार वीडियो डाल रहा हूँ। ये हमारी कंपनी का 4th प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव में। यहाँ पे एक रो में 17 विलाज हैं, और ईस्ट फेसिंग में भी 17 है, ऐसे ही 17 विला उधर बने हुए, टोटल 34 हैं। ये 68 विलाज है 2.5 एकड़ में, इसमें ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम होएंगे, ड्राइंग रूम, मॉलर किचन होएगी, 2 अटैच वॉशरूम, फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम होएगा, ड्राइंग रूम होएगा, मॉलर किचन होएगी, अटैच वॉशरूम, मतलब इसमें 3 बेडरूम है, 3 अटैच वॉशरूम, 2 ड्राइंग रूम, 2 मॉलर किचन है प्रॉपर।
ये हमारा सैंपल है, सैंपल व्हील है। तो इसका फ्रंट एलिवेशन जैसे 24.5 है, तो यहाँ पे गाड़ी का एरिया है जहाँ पे घोड़ी पड़ी है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा था इसीलिए यहाँ पे गाड़ी खड़ेगी आपकी। इसको कार पार्किंग को माइंड में रख के नहीं बनाया हुआ, अगर बना देते 100 गज में फिर कार पार्किंग को ऐड कर देते फिलहाल के बीच में, फिर इसका लेआउट अंदर वाला बढ़िया नहीं बनना था। ये गेटर सोसाइटी है इसीलिए यहाँ पर गाड़ी बाहर पार्क हो जाएगी। टू व्हीलर यहाँ पर आप खड़ा सकते हो जितने मर्जी। ये हमारा मेन एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर की, इसमें जाली के दरवाजे हैं, आपको जितनी विंडो चुगट्ठे हैं दरवाजे हैं सब पे पॉलिश वर्क है। ये वेंटिलेशन है, ये हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम है, इसमें आपको एज इट इज सीलिंग का वर्क मिलेगा। एज एट इज ही आपको LCD पैनल है, इसमें जो इंक्लूडेड नहीं है वो ये फर्नीचर वगैरह LCD पैनल वगैरह नहीं, सोफे बेड हो गए, डाइनिंग हो गया, पर्दे पंखे हो गए, ये ऐड नहीं है। ये सेमी फर्निश्ड है, तो इसमें सीलिंग का वर्क है, LCD पैनल है, एज एट इज ही मॉडुलर किचन है। यहाँ पे अभी जो सोफा लगा हुआ है यहाँ पे 5 सीटर है, यहाँ पे 7 भी लग सकता है क्योंकि ये 32x32 की फ्लोर टाइल है, स्पेशियस है। 13.5x15 का ड्राइंग रूम है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे 7 सीटर सोफ़ा, यहाँ पे भी 4 सीटर डाइनिंग लगा हुआ है, यहाँ पे आप लगा सकते हो आराम से 7 सीटर 4 सीटर 5 सीटर, जैसा भी आपको कम्फर्ट हो जिसमें अपनी फैमिली के हिसाब से। यहाँ पे मॉडुलर किचन है, मॉडुलर किचन में हमने ये दराज वगैरह डाले हुए हैं कंपनी ने इसमें अच्छे वाले, और इसमें सरमाइका वर्क के अंदर भी, और जितनी भी ये फिटिंग लगी हुई है ये सारी गोल्ड मेडल ग्रेट वाइट हेवल की तारें हैं इसमें, और एंकर की बढ़िया इसमें वायर्स वगैरह, और बाहर से जो इसका फिनिशिंग है जैसे इसका कवर वगैरह एंकर ग्रेट वाइट का है, स्विचेस वगैरह सारे। और यहाँ पे 2x4 की वॉल टाइल लगाई हुई है, इसमें भी जैगुआर की टैप्स होंगी सर मॉडुलर किचन में। वेंटिलेशन तो है ही स्पेशियस है यहाँ पे ड्राइंग रूम की भी। वेंटिलेशन उधर भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है फ्रंट की, ड्राइंग रूम की ऊपर भी नीचे भी। ये तो हो गया अपना मॉडुलर किचन, ये अपना मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में ये ड्राइंग रूम का साइज़ बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, 12x13 के बेडरूम है। सबसे पहले 2x4 के अंदर वॉल टाइल है और जैगुआर की बाथ फिटिंग होगी। जो सीलिंग का वर्क है वो वॉशरूम तक यहाँ पर हुआ हुआ है, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और सबसे मेन बात है कंपनी की टाइल है, डिज़ाइन दोनों वॉशरूम में टाइल्स के अलग अलग होंगे। यहाँ पे जैगुआर की बाथ फिटिंग होएगी, जैगुआर की टैप्स हैं सारी। वेंटिलेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे वॉशरूम की। और ये हमारा मास्टर बेडरूम है, दोनों मास्टर ही है, सेम साइज़ है। इसमें LCD पैनल इंक्लूडर रहेगा, और सामने में जो आप देख रहे हो हमारे कबर्ड्स, इसमें 3 कलर ऑप्शन है। जैसे पहले आप वीडियो में देखा होगा, कोई नया बंदा मैम सर मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें 3 कलर ऑप्शन है। एक तो ये वाला है, एक वाइट ग्लॉसी है बीच में टीक की पट्टी आ जाएगी, एक डार्क ब्राउन है, अंदर भी सरमाइका वर्क है मैट में। और जो ये आप देख रहे हो ना सीलिंग, तो एज इट इज ही है, पर ये आप जो देख रहे हो ये मिलेगा नहीं, ये 25,000 कॉस्ट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये प्लेन ही रखो वॉल, आप इस पर कोई भी वर्क कराओ कल को, अंदर भी सरमाइका वर्क रहेगा। और जितनी भी विंडो, जितनी सॉरी तीनों बेडरूम्स में, दोनों ड्राइंग रूम में अंडरग्राउंड स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, और जितनी भी विंडो दरवाजे चुगाठे हैं सब पे पॉलिश वर्क किया हुआ है हमने, पेंट वर्क कोई भी नहीं है यहाँ पे। और ये हमारा सेकंड बेडरूम आ गया, सेकंड बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, 2x4 की वॉल टाइल है, जैगुआर की बाथ फिटिंग है। यहाँ पे LCD पैनल हमारा अलग है थोड़ा सा, और कबर्ड्स हमारे सेम ही रहेंगे। अगर आपने कलर दोनों में अलग अलग करवाने हैं तो दोनों में कलर अलग अलग हो जाएंगे, कबर्ड्स के सरमाइके के ऊपर वाला भी अलग हो जाएगा। और ये हमारी वेंटिलेशन है, पीछे वॉशिंग एरिया सारा, ये वेंटिलेशन बेडरूम की है। इधर इधर वाले सॉरी
दोनों वॉशरूमों की वेंटिलेशन है, इधर वाले बेडरूम की है और इधर वाले बेडरूम की है। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जितनी भी विंडो चौगाठे हैं, दरवाजे हैं, सॉरी जितनी भी चौगाठे हैं उसके बीच में जो ये ग्रिलें हैं ये सारी स्टील की लगी हुई हैं। और एक चीज़ और है, जैसे हमारे सैंपल में ये कलर किया हुआ है विला को, अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए, फ्रंट एलिवेशन पे तो टाइल ही है, वहाँ अंदर का मैं बात कर रहा हूँ, आपको कलर नहीं चाहिए तो आपको कलर आप अपनी मर्जी का करा सकते हो, उसके कोई अलग चार्जेस नहीं है हमारे। सीलिंग का कलर थोड़ा सा डार्क में है, लाइट में, और लाइट में ही वॉल्स है सारी। और सरमाइके का कलर आप करवा सकते हो, पर अभी जो हमारे रेडी टू मूव में उनमें कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सरमाइके का कलर मैं एक बार दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छा वहाँ पे है। जो ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे सरमाइका, यहाँ पे वाइट ग्लॉसी बीच में टीक की पट्टी पॉलिश करके देते हैं, उधर दिखाऊंगा मैं वो। मैंने फोटोज भी, जब आप क्वारी करोगे ना मेरे को फोटोज भेजूंगा, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये था ग्राउंड फ्लोर 2 BHK, अभी एक बार फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ मैं आपको। स्टेयर पे सारा पत्थर है, फ्रंट एलिवेशन पे स्टील ग्रिल ग्लास वर्क है, टाइल वर्क है, और थोड़ा बहुत जो अंदर की तरफ जैसे यहाँ पे पेंट हुआ हुआ है प्लास्टिक पेंट है, अंदर रॉयल का एशियन पेंट है। और यहाँ पे कोई भी खंबा वगैरह नहीं लगेगा, कोई भी ग्रिल टच ग्रिल को टच करके वायर वगैरह नहीं जाएगी, सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड ही पैनल लगे हुए हैं हमारे। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे 1 BHK का कंप्लीट सेट है, एक बार मैं आपको अंदर से विजिट करा देता हूँ। ये हमारा ड्राइंग रूम है फर्स्ट फ्लोर का, शोर के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ, अगर मेरे से कभी, जैसे मैं वीडियो बना के आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, मेरे से गलती से कुछ बोला जाए उल्ट सुलट, मतलब कुछ भी मेरे से गलती से बोला जाए, मेरे को माफ़ करना प्लीज़। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप, मैं ये कोशिश नहीं कर रहा आप मेरे पास आओ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। आप 10, 15, 20, 25, 30 वीडियो देखो तो उसमें आप कोई भी चीज़ चूज़ कर लो, मेरे को उतनी ही खुशी होगी। ये हमारा प्रॉपर ड्राइंग रूम है, स्प्लिट ए सी की प्रोविज़न है दोनों ड्राइंग रूमों में, तीनों बेडरूम में। यहाँ पे छोटी सी मॉडुलर किचन आ जाएगी, अगर आपने रेंटल और छोटी फैमिली ने ऊपर शिफ्ट होना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ड्राइंग रूम है, सॉरी बेडरूम है, ड्राइंग रूम ये है हमारा, ऊपर 1 BHK। और इसका साइज़ बहुत स्पेशियस है, क्योंकि नीचे वाला जो ड्राइंग रूम है ना उसका साइज़ है इसका। और मैं एक चीज़ बतानी चाहता हूँ, ये मैंने इसकी ग्रिलों की बात की थी, ये सारी स्टील की है, और जितनी भी फ्रंट की चौगाठे हैं ये वाली और मेन एंट्रेंस वाली, नीचे वाली ये वाली और मेन एंट्रेंस वाली, सारी 9 इंची चौड़ी होएंगी। और ये हमारा बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम रहेगा, 2x4 की वॉल टाइल है, जगुआर की बाथ फिटिंग होगी इसमें भी, वॉल हैंगिंग सीटें हैं सारी, ये सारी जगुआर है जी, ये सारी जगुआर है। ये तो था अपना फर्स्ट फ्लोर, अगर चढ़ाना है रेंट पे 12-12.5 हज़ार पे, अगर छोटी फैमिली नीचे रह सकती है, अगर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर चढ़ाना है तो 33-34 हज़ार पे रेंट आ जाना यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, यहाँ पे आप छोटा मोटा अपना प्रोग्राम कर सकते हो, पार्टी रख सकते हो छोटी सी, लोहड़ी का प्रोग्राम, दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हो, आपको बाहर पे रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको छत भी है ऊपर। इंडिपेंडेंट हाउस का यही फ़ायदा है। लोग क्या कर रहे हैं, अगर जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, 45-45, 55-55 लाख के गेटर सोसाइटी में, हाई राइज बिल्डिंगों में फ्लैट ले रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है जी, बन बहुत रहे हैं, रीसेल वैल्यू डैमेज है। चाहे आपको जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, हमारे से ज़्यादा नहीं होगा। मेरे को 10 साल हो गए इस फील्ड में, 5वां साल मेरे को इस कंपनी में नौकरी करते हो गया, और 6वां लगा हुआ है अभी। और जब सबसे मेन चीज़ है, 10 साल इस फील्ड में हो गए, बेसिकली मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, तभी आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह दिखा देता हूँ, सरिये वगैरह का हर चीज़ का पता है। पर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ही रहेगा, चाहे आप एयरपोर्ट रोड पे ले लो, खरड़ में ले लो। और ये प्रोजेक्टर रहेगा हमारा, खरड़ बस स्टैंड टू सिविल हॉस्पिटल रोड पे प्रोजेक्ट है हमारा,
चंडीगढ़ खरर रोड पे, रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस इसका 1 मिनट ही रहेगा रोड से, मेन हाईवे से। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपनी बैक पे है, रियात बयान दुआबा कॉलेज भी पास में है। सबसे मेन चीज़ है म्यूनसिपल कमेटी के पार्क स्टेडियम, म्यूनसिपलिटी का दफ्तर, कचहरी, बस स्टैंड, सिविल हॉस्पिटल, सब कुछ पास में मिलेगा आपको। और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट खरीदो, छोटा खरीदो, बड़ा खरीदो, गेटेड में लो, कहीं मोहल्ले में ले लो, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ही है। रीसेल वैल्यू जो इंडिपेंडेंट की होती है वो अच्छे से मिल जाती है। फ्लोर बेचनी, लेकर बेचनी बड़ी मुश्किल है। उसका रीज़न क्या है कि फ्लोर बन बहुत रही हैं, इंडिपेंडेंट हाउस की जो वैल्यू है वो कभी कम नहीं होती, क्योंकि ज़मीन अपनी है। तो जो बंदा 45-50 लाख रुपया खर्च रहा है, मैं उसको हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, मैं किसी बिल्डर को अच्छा बुरा नहीं बोल रहा, पर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट पे ही जाओ। देखो फ्लैट उनके लिए हैं जिन्होंने रेंटल इनकम से बचना है, फ्लैट उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसा बहुत है और हाई राइज में। ऐसे गेटेड सोसाइटी में कहीं पे भी ले लो, आजकल टाउनशिप हैं, गेटेड हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं बिल्डर, हम नहीं, बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका बजट 50 करोस होता है, 45 करोस होता है, तो आप विला ही लो। जैसे इसका प्राइस 46-90 लाख रुपये का सीलिंग का पैकेज है, बाकी ऑन टेबल थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा। ये 3 BHK विला, अगर यहाँ पे 4 BHK चाहिए तो 54-90 का रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडिपेंडेंट हाउस ही इन्वेस्टमेंट करो, फ्लैट उन बंदों के लिए जिन्होंने रेंटल इनकम से बचना है। 20-22 लाख रुपए के हमारे पास भी फ्लैट स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे पास जो फ्लैट्स हैं वो हमारे पास 30-90 में भी पड़े हैं, हमारे पास 35-90 में भी पड़े हैं एयरपोर्ट रोड में, पर 45 लाख रुपये में कोई फ्लैट नहीं है, क्योंकि हमारे पास विला ही आ जाता है इतने में। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट हाउस था 3 BHK, जिसमें 3 बेडरूम थे और 3 अटैच वॉशरूम थे, 2 ड्राइंग रूम थे, 2 मॉलर किचन है, बहुत अच्छे बने हुए हैं। जब मर्जी एनी टाइम मोस्ट वेलकम, आप विज़िट करो और अपनी फैमिली को लेकर आओ साथ में। मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। गलती फलती माफ़ जी, जब मर्जी आओ, एनी टाइम मोस्ट वेलकम है। बाय बाय, सी यू। और मेरा नंबर है जो 84-27-82-30-82, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको सारा भेज दूँगा, डिटेल वगैरह, अपना बैच वगैरह कंपनी का। जब मर्जी 7 डेज अवेलेबिलिटी है, आने से पहले एक बार कॉल कर लो, एक बार विजिट करो और सर्च करो और MD सर से मीटिंग करो, विला परचेज करो, रेडी टू मूव में है, सारे अच्छे बने हुए हैं, जहां मर्जी लो, हमारी तरफ से गुड विशेस है।